मुसलमान मार जाएंगे, भगाए जाएंगे, काटे जाएंगे। ये लोग कहते थे, मैं नहीं कर रहा, ये आम जनमानस जो लोग किसी व्यक्ति से प्रेरित थे, जो लोग किसी पार्टी से प्रेरित थे, जो लोग किसी भाव को लेकर, किसी मानसिकता को लेकर प्रेरित थे, वो लोग ऐसे हम लोगों के ऊपर थोपने का काम करते थे, अरे ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मानसिकता लोगों की। लेकिन आप देखो कि जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, उस दिन जो डेली रूटीन में वाद विवाद हुआ करते थे, लूट, छिनैती, डकैती, हत्या, तमाम, एक भी केस नहीं हुआ, एक भी केस नहीं आया। लोग क्या कहते थे, डरवाते थे, अरे देश कत्लेआम हो जाएगा। रूटीन वाला भी केस उस दिन नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टीवी चैनल और आपकी जो भाई लोग क्या मानते हैं, लिखा पढ़े ही नहीं मानते हैं, जवानी क्या मानता है, कुछ नहीं, वो नहीं हुआ। लेकिन लोग ऐसे डरवाते थे, अरे कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इस कोरोना काल में मोदी जी आए और भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, फिलहाल अयोध्या तो धर्म नगरी है और यहाँ जो दो तीन मेले होते हैं, एक एक मेले में रामनवमी के लिए 24 से 25 लाख आम भक्त आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। ऐसा नहीं कि अयोध्या भक्तों से अछूता रहा है, सुना रहा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, जैसे वो सब समय आता है, सावन मेला देख लीजिए, रामनवमी देख लीजिए, कार्तिक परिक्रमा देख लीजिए, उसमें लमसम परिक्रमा करने के लिए 17 से 18 लाख लोग आते हैं और वो भक्त तमाम मठ मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद अयोध्या की कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उनके मन में भाव आता है, कोशिश करते हैं, थोड़े ही समय में वो लोग आने जाने का काम करते हैं। तो साल में 3 महीने तो ऐसे होते हैं कि लमसम इतनी भीड़, पब्लिक, आम जनमानस से जुड़ा हुआ आता है। लेकिन ये बदलाव कितना तेजी से आया कि जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, आदेश आने के बाद हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा, इच्छा कि हम अयोध्या चले, वो कैसी जगह होगी जिसको लेकर इतना देर बवाल चला, कत्लेआम हुआ, लोग मारे गए, काटे गए, पीटे गए, मन में होता है ना भाव, जैसे कि अयोध्या में कोई चीज होगा तो मीडिया इस प्रकार फैला दे, अरे अयोध्या में ऐसा हो रहा है। लेकिन आप लोग अयोध्यावासी भी होंगे, अयोध्यावासी तो यहाँ देखो कुछ ऐसा तो रहता नहीं, शांतिपूर्ण माहौल आता है। लेकिन मीडिया में क्या चलता है, अरे पूरी फोर्स आ जाएगी, हर व्यक्ति की दुकान बंद, ये बैरियर, वो बॉर्डर, ये काम, ये इतनी समस्या झेलनी पड़ती है, यहाँ के वासियों को इतना तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, वो हमारी खेती है, खेती क्या है, यहाँ कोई फैक्ट्री तो है नहीं, यहाँ कोई और व्यवस्था तो है नहीं, यहाँ टूरिस्ट के भरोसे ही, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे आम जनमानस हो, चाहे पंडे हो, चाहे पुजारी हो, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे सामान्य से सामान्य, छोटे से छोटे दुकान वाले हो, हर व्यक्ति पब्लिक के ऊपर आधारित है, टूरिस्ट के ऊपर ही आधारित है। जब से राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से देखिए कि आम जनमानस की जो लगाव, झुकाव और आना जाना बहुत तेजी से अयोध्या की तरफ बढ़े। अब जिम्मेदारी किसकी है कि सही तरीके से, होता क्या है कि आप